अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ग्लोबल कॉर्नर में खुश आमदीद। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस दी बेल आइकन। तो व्यूअर्स, आज मैं आपको रमाजल हजरत के नेक्स्ट एपिसोड का प्रोमो बताऊंगी। नेक्स्ट एपिसोड के प्रोमो में दिखाया जाता है कि नैन तारा अपने शोहर के जाने का बहुत ज़्यादा दुख और सदमा ले जाती है, और आप देखेंगे कि वह इस वजह से अपनी जहनी हालत काफ़ी हद तक खो बैठती है। जब रात के वक्त उनके यहाँ बारिश हो रही होती है तो वह जरीन के भाई को अरमान समझ लेती है, और वो जैसे ही जरीन के भाई को देखती है उसे अरमान समझकर उसकी तरफ बढ़ना शुरू हो जाती है। जरीन का भाई समझता है कि ये अकेली हो गई है, इसलिए वो उसकी तरफ बढ़ रही है और इसका इरादा गलत है, लेकिन नैन तारा अपने जहन में अरमान को समझ रही होती है। जैसे ही वो उसके करीब जाती है और करीब से देखती है तो वो अरमान नहीं बल्कि जरीन का भाई होता है। इस बात पर वो वहाँ से भागने लगती है कि अचानक जरीन का भाई उसका हाथ पकड़ लेता है और दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। यह तमाम चीज़ें देखकर बाकी घर वाले नीचे आ जाते हैं और इन दोनों को आकर पकड़ लेते हैं। आप देखेंगे कि ये बात जब जरीन की वालदा को पता चलती है तो वो कहती हैं कि ये मेरे बेटे पर डोरे डाल रही है, क्योंकि इसका शोर अभी अभी मरा है, इसलिए ये अकेला रहना नहीं चाहती। नाजरीन, आप देखेंगे कि इस तमाम मामले में जरीन भी अपनी वालदा का साथ देती है और नैन तारा पर मजीद इल्ज़ाम लगाती है, लेकिन इस तमाम मामले में अरमान का भाई फरहान नैन तारा के साथ खड़ा रहता है और बाकी सबको चुप करवा देता है। व्यूअर्स, आपके ख्याल में क्या नैन तारा इस घर में मजीद रह पाएगी या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।